डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महिलाओं ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर कोटरेड पुलिस ने आज दो मंचलों को गिरफ्तार कर लाडगंज थाना पुलिस के हवाले किया है। ये दोनों मजनू न सिर्फ कॉलेज की छात्राओं को छेड़ते थे बल्कि अपशब्द भाषा में भी बुलाते थे। कल कॉलेज जाते समय एक छात्रा के साथ इन्होंने छेड़खानी करते हुए भाग गए। छात्रा ने दोनों मंचलों का वीडियो बनाकर कोटरेड पुलिस को सौंपा। आज वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों मजनुओं को गिरफ्तार कर जमकर उनकी खबर ली। इससे पहले भी दोनों युवक अमरजीत और जीतेंद्र रजक छेड़खानी करते हुए पकड़े गए थे। कैसी शिकायत थी? आज जो है हम लोग यहाँ लाडगंज थाने में अभी 15 तारीख को एक लड़की ने हमको शिकायत की थी कि दो व्यक्ति जो है चंचलाबाई कॉलेज के पास इनसे मतलब अपशब्द बोलकर बाइक से पीछा किया और अपशब्द बोले और बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे और इस तरीके से भाग गए। तब उस लड़की ने ये चीज़ अच्छी की कि वीडियो बना लिया, तो उससे हमको उसका गाड़ी नंबर मिला और आज हम लोगों ने सुबह उसके घर में जब उसका एड्रेस पता किया और उसके घर में गए हम लोग। बाकायदा गाड़ी खड़ी हुई थी, वो व्यक्ति भी घर में था और अभी हम लोग उसको लाडगंज थाने लेके आए हैं। लड़की भी आ गई है, देखते हैं जैसा भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई। एक का तो अमरदीप और दूसरा रजत जितेंद्र रजत रहते हैं। अमरदीप तो यहीं भर्तीपुर के हैं और वो दूसरा गलगला का है। आपका पद और नाम बता। मैं आशाई श्वेता 481 से। ओवरनाइट एक्सप्रेस में हुई छेड़खानी का मामला बड़ा ही चर्चित तो होता जा रहा है। आज मंडल रेल महिला कल्याण समिति WWO की 30-40 महिलाएं GM अजय विजय वर्गीय से मिलने पहुंची थी। महिलाओं ने GM से मिलकर DIG के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। नरेंद्र फिर बिस्किट्स मंगवा दो लेडीज़।